नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मर्दाना प्रॉब्लम के बारे में जिससे 45-50 साल के मर्द अक्सर परेशान होते हैं। जी हाँ, प्रोस्टेट की समस्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो सिर्फ मर्दों में होता है। ये आपके ब्लैडर के ठीक नीचे होती है। इसका काम है सीमेन के लिए फ्लूइड बनाना। अब सवाल ये है कि प्रोस्टेट की तकलीफ क्यों होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ सकता है। इसे कहते हैं प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। इससे पेशाब करने में दिक्कत होती है, खासकर सर्दियों में। तो चलिए अब जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं। बार बार पेशाब आना, पेशाब करते वक्त जलन या दर्द होना, और कभी कभी पेशाब में खून भी आ सकता है, ये सब बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसलिए इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर शुभम लवानिया, जो जे हॉस्पिटल आगरा के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। इलाज के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, ऐसी मेडिसिन जो प्रोस्टेट को छोटा करती हैं और कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस भी हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि कैफीन और अल्कोहल से बचना और रेगुलर एक्सरसाइज करना। तो दोस्तों, अगर आपको बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम हो, खासकर सर्दियों में, तो हो सकता है आपको प्रोस्टेट की तकलीफ हो। इसे हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टर से बात करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद और अपना